लीव नो वन बिहाइंड में जब हम ये समझ लेंगे, चाहे वो कुरान हो या पुराण हो। अब देखिए ना शास्त्रों में क्या कहा है। उपनिषद कहता है, बहुत प्यारा मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रिदः कस्य सिद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, ईशावास्यमिदं सर्वं, दिस होल वर्ल्ड इज pervaded by the divine, with the divine, he is everywhere, he is all pervasive। जब वो सब में है, सब उसमें है, तो हम एक हैं, उसके हैं, वो अपना है, तो फिर हम किसको छोड़ें, किससे मुंह मोड़ें। यही समय है घर में बैठकर, यदि मेरे पास कुछ है, बाहर तो नहीं निकल सकते लेकिन जो बाहर हैं मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, पैसों से कर सकूं, अपना प्यार लुटा के कर सकूं, आसपास के मेरे पड़ोसी भूखा ना सो जाए उसके लिए कर सकूं। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, केवल उन लोगों की नहीं जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, बल्कि लिविंग बीइंग्स की भी। जानवर हैं बाहर, उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, पक्षी हैं उनको खाने को नहीं मिल रहा, तो उन सब की व्यवस्था आसपास जो है। तो लीव नो वन बिहाइंड में केवल ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात हो गई। ऑल, वी बिलीव इन ऑलनेस, ये मंत्र आज याद करने की ज़रूरत है कि लीव नो वन बिहाइंड में, द मोमेंट वी बिलीव इन ऑलनेस देन वी बिलीव इन वननेस, दिस ऑलनेस टू वननेस। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने मंत्रों को, अपने कल्चर, ये कल्चर है हमारा कि वी आर वन, तो अपने कल्चर को याद करें, अपनी नेचर का ध्यान रखें। नेचर का ध्यान नहीं रखा, कुछ भी खाने लग गए, कुछ भी करने लग गए, कुछ भी होने लग गए, आज देख लो मुसीबत आ गई सामने। चमगादड़ तो वहीं रह गया, लेकिन कोरोना यहाँ पहुँच गया, आप सोचो तो सही।